देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रियांक जी ने। तो सबसे पहले प्रियांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई अनोखी किस्से कहानियां हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आईडी है network_33। साथ ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। प्रियांक जी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब सारा सारा दिन गांव की गलियों में बीत जाता, कभी गांव के बगीचे में तो कभी गांव के बड़े से मैदान में जहां सभी बच्चे जमा हुआ करते थे। एक बार की बात है, मैं और मेरा भाई और साथ ही मेरे दोस्तों ने जामुन तोड़ने की सोची। गांव के किसी पेड़ से तो तोड़ना इतना आसान नहीं था, मगर एक ऐसी भी जगह थी जहां जामुन के पेड़ भी थे और वहां कोई आता जाता भी नहीं था, क्योंकि वो पेड़ गांव से बाहर ही थे। हम लोग तैयार तो हो गए, मगर जब हम वहां जाने के लिए निकले तो तब तक शाम हो गई थी और अब जल्दी ही अंधेरा होने वाला था। खैर, जामुन के लालच में हमने वक्त के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। रास्ते में जब मेरे एक दोस्त ने पूछा, जामुन लेने तो जा रहे हैं मगर जामुन रखने के लिए कुछ लिया है कि नहीं, फिर मुझे ध्यान आया कि सच में जल्दबाजी में मैं पॉली बैग लाना ही भूल गया। खैर, अब हम कर भी क्या सकते थे, हम बस वहां पर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में मुझे एक बबूल के पेड़ पर एक बड़ा सा लोटा नजर आया। उसे देखते ही मैं बोला, लो हो गया जामुन रखने का इंतजाम। वो लोटा उस पेड़ से उतारने के बाद हम लोग जामुन के पास फाइनली पहुंचे, जहां हमने देखा कि जामुन की कुछ डालियां पहले से ही टूटी पड़ी हैं और उसमें अभी भी बहुत सारे जामुन लगे हैं। मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ कि पेड़ पर चढ़ना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। मगर मेरा एक दोस्त बोला, नहीं नहीं, मैं तो पेड़ पर ही चढ़ के तोड़ूंगा, ये नीचे पड़े जामुन नहीं चाहिए मुझे, तुम ही ले लो इन्हें। हमारी लाख मना करने के बावजूद भी वो पेड़ पर चढ़ गया और बाकी के लोग उस टूटी हुई डाली से ही जामुन तोड़ने लगे। अभी हम लोग जामुन तोड़ ही रहे थे कि तभी एक और जामुन की डाली टूटकर नीचे गिर पड़ी, जिस वजह से पेड़ पर चढ़े दोस्त का बैलेंस बिगड़ा और वो भी डाली के साथ नीचे आ गिरा। गनीमत थी कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, मगर अपने आप ही डाली टूटी कैसे। अभी हम अपने गिरे हुए दोस्त को संभाल ही रहे थे कि एक चिड़िया, जिसे टिटा टुंगली बोलते हैं, वो हमारे ऊपर मंडराने लगी। वैसे भी अब अंधेरा सा हो गया था, हम चारों दोस्त थोड़ा डर गए थे कि तभी हमें एक बकरी नजर आई जो जोर जोर से मिमिया रही थी। देखते ही देखते वो बकरी हमारे चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी और ऊपर से वो चिड़िया भी अभी भी मंडरा ही रही थी। अब बस हम जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे कि पता नहीं कैसे हम चारों का गला एकदम से सूख गया, सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। मेरा भाई रोता हुआ बोला, भैया पानी। इतना बोलते ही वो बेहोशा हो गया और मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, मगर मुझे कुछ तो करना ही था। आसपास देखने पर मुझे वहीं एक कुआं दिखा और उसी के बगल में एक औरत जो कि काले कपड़े पहने थी। वो औरत हमसे थोड़ी ही दूर थी, उसका चेहरा कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो हमें अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रही थी। मगर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने किसी तरह अपने भाई को गोद में उठाया और मेरे दोस्त भी किसी भी तरह वहां से चल दिए। जब हम गांव के पुलिया पर पहुंचे तो हमें एक आदमी बैठा नजर आया, जिसने हमें रोकते हुए बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हमने सारी बात उसे बताई। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले ये लोटा वापस उसी पेड़ पर छोड़ना होगा, नहीं तो वो तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही हम लोग काफी डर गए। हमने कहा, आप ही रख दीजिए, हमें तो डर लग रहा है। इस पर वो बोले, ठीक है, लाओ मुझे दे दो ये लोटा, और हाँ, अब पीछे पलटकर नहीं देखना, नहीं तो तुम भी बकरी बन जाओगे। ये सुनकर हम और भी डर गए
और बिना पीछे पलटे सीधे अपने घर पहुंच गए। बाद में पता चला कि बहुत पहले एक औरत थी जो जादू करती थी, उसी की सारी सिद्धियां उस लोटे में थी जिसकी मदद से वो जादू किया करती थी। गांव वालों को जब पता चला तो उसे मार दिया गया और लोटे को भी वहीं कहीं पर गाड़ दिया गया था। मगर हमें वो लोटा उस पेड़ पर कैसे मिला ये तो हमें पता नहीं। खैर उसके बाद हम फिर कभी भी उधर नहीं गए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।